आंटी और अगर एक मिनट अगर आएगी तो फिर ये हमारे घर नहीं आएगी, तो वही है लेकिन अब ये नहीं आएगी यहाँ जी। आई नो मेरे को ये वाला ब्लॉग अपलोड करना नहीं चाहिए था, एक्चुअली बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और मैंने ये इसलिए अपलोड किया, मैंने कहा था कि प्रिया और जसलीन दोनों देखें कि उन्होंने क्या किया। जब बंदा खुद देखता है ना तो उसको समझ में आती है, पर काफी चीजें उल्टी हो गई हैं। कल तो मैंने नॉर्मल कर दिया था, जसलीन को उसके घर भेज दिया था, इनको पार्टियां भेज दिया था, मैंने कहा शांत रहो और कम से कम जाके दिन तो मत खराब करो। अब शायद जसलीन की मॉम ने ब्लॉग देखा हो क्योंकि 12 बजे मैंने अपलोड किया और करेक्ट 12:30 बजे के आसपास जसलीन की मॉम का कॉल आ गया कि वो आ रही मम्मी से बात करने के लिए। तो मुझे लग रहा मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। खैर, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु आर वॉचिंग एंड सबको राधे राधे। प्रिया, जसलीन की मम्मी का फोन आया अभी, बोला मम्मी से बात करने आ रही है, तो उनके आगे फालतू मत बोलिए, समझ गई ना, नॉर्मल रही हो। यार मैं अकेली बोल रही थी क्या? अरे जो भी तो बोल रही थी ना बराबर। मम्मी, हाँ बेटा, जसलीन की मम्मी का फोन आया है। क्या हुआ? ब्लॉग देखी होंगी तो ये भी आन लग रही, बोला कि आंटी से बात, आपकी मम्मी से बात करूंगी। करेगी अगली, इतना बंप कर दिए घमासान। मैं थोड़ी करा यार मम्मी, मैं तो कि मैं बोल जाएगी नहीं और के, मैं जब मना करने लग रही हूँ तुम ये सब मत करो मत करो, रुकोगे नहीं है? अरे यार ये जैजी, ओ जैजी, जैजी तो रही हो, पहले ये रखो व्लॉग यार, व्लॉग बंद ना मम्मी चिढ़ जाएंगी। आपने कल वाला पूरा तो बंद, आपने कल वाला व्लॉग डाला क्यों पहले मुझे, जब मैंने आपको कहा था ये सब मत डालो क्यों डाला आपने? अरे मैंने, मेरे को ये चीज इससे इससे होगा क्या? नहीं मेरे को ये बताओ इससे होगा क्या? कुछ होने वाला? मम्मी ने देख लिया, उधर प्रिया को लोग गाली लेके, मुझे गाली लेके, तुमने किया तो मेरे घर वालों ने भी देखा ना, वही सामने खड़े हुए थे ना अगले। मैं कह रहा हूँ उसके नहीं, बोला भी नहीं ना उसको। बोल यार जी, बराबर बोला, सबको बोले ना, बार बार डाटा, हजारों बार तो डाटा था, मैंने कितनी बार डाटा, कितनी बार डाटा कम से कम प्रिया को। अब मैं वो कह रहा हूँ, ये कम से कम खुद भी देखोगे ना तुम दोनों कि तुमने क्या क्या बोला, इसी चक्कर में डाला। हाँ तो बोला तो दोनों ने बराबर ही है और इसी चक्कर में डाला। किसने बराबर? मैं कह रहा हूँ सुनो, पहले आप मम्मी के सामने जाओगे व्लॉग लेके मत जाना यार, अब ये बोल देंगे फिर आपको मुझे मत कहना। मैं कह रहा हूँ अब जरा आंटी के सामने थोड़ा मामला ठंडा कर दे, ऐसी चीजें खराब होती हैं, लोगों को क्या लगेगा? अरे जो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग कर रहे हो तो खराब नहीं हो रही, क्या लगेगा? मैं कह रहा हूँ तुम लोग कर रहे हो तो खराब नहीं हो रही, ऐसे अब देखने में खराब हो रही है, तो अब देख के तुम्हें खराब लगा, अब देख के खराब लगा कम से कम खुद को ही रोकेगी? मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ है, ठीक है, जिस हिसाब से बोली है मुझे। नहीं तो तूने भी बराबर बोली यार, ऐसे सब बोला है, क्यों जैसे उसने बोला कि क्यों तूने नहीं बोला? अब ये बातें मत रिपीट करो, चलो मम्मी बुला रही व्लॉग लेके जाओ। चलो ब्लॉग तो चालू ही रखूंगा ना, ब्लॉग थोड़ी हटाऊंगा, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि जब लड़ाई देख ली तो सुलह भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पता चलेगा आपको। चलो मेरे को क्या? नमस्कार आंटी। नमस्ते। बस बढ़िया, क्या हाल है भाई? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैं कह रहा हूँ कल तो इनका जो घमासान मामला हुआ परिवार है, वही आपस में लड़ाई वड़ाई होती रहती है, क्या करें सब बच्चे आपस में, कभी कभी खेल जाते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। मैं बोले जा रहा था, पापा भी बोल रहे थे, मम्मी भी यही बोल रही थी कि इतनी ज्यादा मत करो, ठीक है लड़ाई वड़ाई होती है पर इतनी ज्यादा माँ बाप के सामने इतनी हो तो अकेले नहीं करेंगे। मैं पता व्लॉग है ना, इतना नहीं बोलना चाहिए। मैं पता व्लॉग नहीं डाल रहा था, फिर मैंने इसी चक्कर में डाला, मैंने कहा दोनों देखेंगी आपस में तो समझ में तो आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो मैं क्या डालूं? मेरे को तो व्लॉगिंग रोज की करनी है। चलो इतने ये नहीं डालने का था ना, ऐसे अभी भी बना ही रहे हो तुम, फिर ये भी व्लॉगिंग बना रहे हो, बातें फिर आपसी तो घर का कुछ नहीं रहा ना, फिर ऐसे अपनी कोई प्राइवेसी नहीं हुई, कुछ भी सब कुछ अगर हम पब्लिक ही कर देंगे तो हमारी तो कुछ नहीं हुई ना, कुछ नहीं ये बोला जा रही है तो सब परिवारों में चलती है। मैं कह रहा हूँ अब लोगों ने लड़ाई झगड़ा देख लिया तो कम से कम सुलह भी तो देखें, इस चक्कर में आंटी और सुलह क्या है? मैंने इनको इतना बोला, मैंने कहा नया साल है क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो, नॉर्मल है, इसको भी साल की नहीं है बात, नए साल पुराने साल की नहीं है, लड़ना तो है ही गलत ना, गलत क्यों ही लड़ने का? और कोई टॉपिक भी तो हो ऐसा कि भाई किसी चीज पे बहस हो, अरे टॉपिक हो तो भी उस बात को सुलटा लो बैठ के, लेकिन लड़ो मत। चलो मामला थोड़ा रफा दफा करो, एक दूसरे को सॉरी वॉरी बोलो और खत्म करो। प्रिया, प्रिया चल पहले तू सॉरी बोल दे, हंस मत, कोई बोलना पड़ेगा, प्रिया इतना बोली है, इतना गलत बोली है, और फिर सॉरी बोलूं मैं, ये भी तो बोल, प्रिया
नहीं बोल रही थी, वो तो घर आई थी तुम्हारे। हाँ। और आना भी है, आगे भी आना है, पहले भी आती है। मन में कोई बात थी तभी तो इतनी बड़ी बातें निकली है मुंह से। आंटी मन में तो इसकी भी थी, फिर मन में थी, चलो मन में थी तुमने निकाल दी, लेकिन घर पे आके बोलने का बहुत बड़ी बात होती है ऐसे। हाँ, ब्रेक ये बोलना नहीं बनता। हाँ, और फिर खाना ये वो, अरे ये चीजें तो क्या। हाँ, मैंने वो इसको बहुत बोला, मैंने कहा जो भी तुम्हारी आपसी बातचीत भी हो रही, लड़ाई भी हो रही, पर ये खाना वाने से रिलेटेड ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। और आपस में दोनों जो मर्जी करो, और जब बड़े भी इन्वॉल्व थे, सब कुछ सामने पता भी है कि कैमरा भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, उसके बाद इतना बोलना तो अच्छी बात नहीं है ना। आप तेरी तो फ्रेंड है, तू तो अब फ्रेंड के तौर पे समझा ले। एकदम से एकदम ही शूट हो गए दोनों। हाँ। पहले तो ये शूट हुई इस बात को लेके, मेरा मेन आंटी आपके सामने बहुत नॉर्मल बेसिक सी बात थी, और वो भी मैंने कहा कि मेरा हेयर स्टाइल बना दे, मेकअप कर दे। हाँ, उस टाइम पे यही चल रहा था, उस टाइम पे यही चल रहा था, चल ले नायका, चल ले एक सेकेंड ये कर ले। या तो मैंने नेगेटिव वे में बोल के टॉन्ट मारी होती। क्या हुआ यार, ये भी पूरा बोल रही थी, ये कौन तो चुप हो गई, कुछ पीछे से लड़ाई हुई है तुमने बहुत इतना तो प्रिया मैंने बोला भी नहीं है तुझे, तो ब्लॉग में सबने देखा। पर आपको इतना बोलना नहीं चाहिए था ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही बड़े का एल्डर होता है तो नहीं बोलना चाहिए। चलो अब तो हमें इस बात पे आगे बहस थोड़ी करनी है, मामला निपटाना है। किसने कितना बोला है सबको पता है। चल जैसे अभी ठीक है, अब तू क्यों बोल रही है ऐसे, थोड़ी होता है। चलो अब गलती जिसके भी थी, अब मुझे इतना नहीं बोलना है। मेरे को तो आना भी नहीं था, मेरे को आना नहीं था। मम्मी बोली कि मैं बोलती हूँ जाके प्रिया को, बेटा ऐसे नहीं से लगता। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिंदगी छोटी तो है नहीं यार, अभी तो बहुत, अभी तो शुरू किया हमने काम वाम सब चीजें साथ में, अब ये एक मिनट में छोटी मोटी चीजों के ऊपर। और मैं बताऊं ये कुछ भी नहीं है, जैसे ये सिर्फ है ना आंटी ईगो क्लैशेस हैं और कुछ नहीं है, कि ईगो पे ले लेता ना बच्चा तब ये सारी बातें करता है। हाँ, और अपने बंदों में क्या ईगो, ये कोई बात तो ही बात करने भी यार बताओ। पता मैंने यही बोला आज भी, मैंने कहा आंटी ने शायद ब्लॉग देख लिया है, 20-25 मिनट का ब्लॉग था, 12 बजे मैंने अपलोड किया और मैं नहाने चला गया, 12:30 बजे आंटी का कॉल आ गया। और आपके सामने खाना खाती है ये। नहीं, मैंने इसको बाद में बहुत डांटा है इस बात। और ये क्या बात है बोलने की, हम घर आते तो हमें पानी भी नहीं पूछते। हाँ, ये क्या प्रिया, ये क्या तरीका है, सिर से ही निकल गई कि ये बात क्या बनी। हाँ, अरे आंटी वो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ नहीं आया, मुंह में तो कुछ भी बोल दिया। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। अब जी ये जसलीन मेरे सामने बोल सकती है इतना, कभी भी नहीं। हाँ आंटी, कल तो ये पूरा ही बोल रही थी, तो मैं सामने नहीं थी ना, मम्मी और भी तो बैठे ही थे। मैंने बोला मेरे सामने अगर ये इतना बोल के दिखाए, मेरी मम्मी और भी तो बैठे ही थे। और अभी भी मैं कह दूं कि चुप तो फिर खत्म है कहानी, वहां पे फिर मतलब नहीं है बोलने का, ऐसे नहीं होता। इसे बहुत प्यार से सुनने को मत बोलो। हाँ, चुप रहो। मेरे अंकल एक जन को तो चुप रहना ही पड़ेगा ना। करती है तू ये छोटी सी बात कोई नहीं है। तो मैंने तो सच बताया। क्या सीनरी का बात था इतना बुरा तभी लगता है। चलो अब अपने को ये सब रिपीट थोड़ी करना है यार। मतलब अभी चुप हो जा। आप फालतू मत बोल। चुप हो जा, कोई नहीं फालतू मत बोल तू। अच्छा लगा अभी ब्लॉग देखी तेरे को, अभी ब्लॉग देखी तब कह रही कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना था। अंकल वाले टॉपिक कौन निकाल रहा है, ये निकाल दी वापस बैठी बैठी। वो तो निकालेंगे नहीं क्या, अरे हमको टॉपिक निकालने नहीं आए, हमको टॉपिक खत्म करने आए हैं, निकालने थोड़ी आए हैं। अगर तुम लोग फ्री हो तो बात ही क्या है फिर, कल को तुझे गलत समझे इसे गलत समझे क्या फायदा, क्योंकि दोनों के दिल में ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा भी कि तू ऐसे क्यों आती है मेरे घर। क्या ये सब यार, तू बच्ची थोड़ी है यार, जैसी मैं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं ना, क्यों नहीं आएगी। अरे आने या ना आने से काम थोड़ी चलना है, खुद को सुधारो। तेरा अपना घर है, क्यों नहीं आएगी। हाँ, कि हम ये चीज अब नहीं करेंगे जी, ऐसे चलता है। ऐसे करो, मैंने आपके घर बहुत ज्यादा लंच कर लिया, बता कितना राशन। अब ये बात है ना, अब ये बात ऐसे भी हंसी मजाक में टल जाती है। आएगी लेकिन लंच वंच नहीं करेगी, पानी भी ये कोई तेरा ससुराल तो वो थोड़ी है, लड़की का मायका। पानी का पानी का पुत्र साथ में लेके आएगी। नहीं, बीच में तो लेके आने लगी थी, कह रही डाइट का सामान है मम्मी। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू खाती नहीं है 4-4 बजे तक, पहले लेके आती थी फिर इसने कहा नहीं।
तो तू लंच नहीं करेगी तो हम प्रिया को भी लंच नहीं देंगे। उसकी भी डाइटिंग करवा देंगे। भाई हो तो दोनों साइड हो फिर, एक जना क्यों डाइटिंग करे, एक क्यों करे भुगते, एक जना क्यों, लड़ो दोनों और डाइटिंग, डाइटिंग दोनों, डाइटिंग भी दोनों ही करेंगे। चलो अब ये मामला इतना थोड़ी बढ़ाना है कि ये ऐसे करें। प्रिया चल तू ही बोल दे कि अब हमें ऐसे कोई काम नहीं चाहिए। तो मान के ना तो यार प्रिया तो तू ये सब फालतू बातें बोल दे रही है। तो कल भी बहन बहन करके अंदर उसको मनाने आई थी ना कि चली जा आंटी के साथ, बहन करके मैं मनाने आई थी। तो अब आपा को ये लड़ाई करते थोड़ी रहेंगे कि लड़ाई चालू रखें सब। अच्छा मतलब फिर तू क्या चाहती है ये तो बता। हाँ बता क्या चाहती है। यहीं पर ऐसे ही रहे, बात खत्म ना हो, वीडियो नहीं बनानी आपस में, काम नहीं करना, खत्म करना है। चलो वीडियो तो आगे की बात है, एक एक वो है यहाँ पे खत्म करनी है, इसको बढ़ाना है। रिश्ता छोटी सी बात पे कह रहा कि वो क्या बच्ची टाबर है, क्या 6 महीने तो छोटी है मेरे से, बालक है जो भी है, वो मैंने भी पॉइंट है। बालक का क्या, कहाँ से बालक है, 6 महीने। अरे मतलब इमैच्योर है यार, मतलब ये था मतलब। तुम भी तो बालक ही है, तुम्हें बड़ी सारे बालक है, यहाँ भी बालक है, ये सब बालक है। तो बालक को तो फिर पकड़ो एक दूसरे को। चल नॉर्मल हो जा, मोबाइल में क्या चला रही है इसमें, इतना कुछ बोल रही है या तो नहीं बोला ये बराबर। चल मेरी गलती है, सॉरी खत्म कर, चल बोल दे सॉरी कि चल मेरी गलती है। हम तो इसको बोल सका, आज के बाद मैं कोई किसी टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी, क्या छोड़ो, ऐसे नहीं होता, ऐसे फोर्स करने से थोड़ी होती है चीजें कि आप फोर्स कर दो कि सॉरी बोल दे या मेरी गलती थी, ऐसे सारा ब्लेम मेरे पे ही डाल देते हो एंड में। ब्लेम थोड़ी डाला है, अरे बस कि हम ये देख रहे हैं एक बंदे को समझ में आ रही है, एक को नहीं आ रही है। प्रिया समझ में नहीं आ रही ना, फिर भैया आप ही समझा लो। अरे मैं कितना बोलूं, मैं कल ब्लॉग में कितना बोलता रहा हूँ, पीछे से ही मैंने इसको बहुत बोला है। अब प्रिया ये अच्छा लगेगा कि ये सारे लोग चले जाएंगे, फिर अच्छा लगा क्या, फिर अपना मतलब शायद ये चाह रही है कि हम लोग भी ना आया करें, बात है तो हम भी नहीं आएंगे। बच्चा है तो अभी मेरा ये भी तो मान ही गई ना, अगर मैं इसको एक बार बोलूंगी तो सॉरी बोल ही देगी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। वो तो मैं भी ऐसे कह सकती हूँ कि आपने मेरे को, आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो, अभी ये नहीं बोली भी कि आप तो मेरे को हर चीज में ब्लेम कर रहे हो, तो मैं भी अभी ये बोलूंगी कि तो ये कह रही है ऐसे तो मेरे को हर चीज में ब्लेम कर रहे हो, इसकी कोई गलती नहीं है। मतलब तूने किसी की बात नहीं सुनी ना, तेरे लिए बड़ा छोटा कोई नहीं है, तेरे लिए बड़ा छोटा कोई नहीं है, तू बात तो सुन ली, इतने सारे बड़े लोग बैठे तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू तो मुझे ऐसे बता रही है, वो तीन दिन इसको 10 बार बोले लेकिन ये बात नहीं रुकी, तू तो मुझे ऐसे बता रही है, ऑर्डर दे रही है कि तू तो, तुझे किसी की सुन ली, तूने कौन सा सुन लिया, अब आंटी तेरे को बोला तू सॉरी बोल दे, तूने कौन सा बोला, तूने क्या बोला मेरे को ब्लेम कर, तो आपा क्या, एक सेकंड प्रिया को जसलीन से सॉरी सुननी है, तेरे को सॉरी सुननी है ना मेरी, तो बड़ी हो जाएगी, महान हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है तू, हैं सॉरी बोल के, सॉरी कल भी इतना सबके सामने करी जा रही थी, यही चीज है, ये गलत है, तू भी कर रही थी, तू सॉरी, तू एक पॉइंट में भी चुप थी क्या, तूने अब ये क्या यार रोना, अब रो के क्या, अब क्या फायदा, इतना सब बोल रही है उसके बाद रोना वोना क्या करना है, आराम से सॉरी नहीं बोला जा रहा, इतनी ज्यादा ईगो होगी दिमाग में, क्या दिखा रही है मुझे, यार बहन जय जी जय जी, बात खत्म होगी, उसके माइंड में ये आएगा सब उस पे चढ़ रहे हैं प्रिया पे, अब नहीं बोलेगी, तो अभी शांत हो जाओ, मत बोलो फिर, अब एक शब्द तेरा मैं सुनाई ना पड़े, मम्मी पापा बैठे हैं ना समझाएंगे, भाई बैठा है, मम्मी पापा बैठे हैं, अपने आप समझाएंगे, और नहीं कोई एक एक अगर एक वो करेगा बच्चा ढीठ बन के फालतू बातें करेगा तो आप उसके चक्कर, अब कहाँ जा रही है, एक बच्चा अगर फालतू बातें करेगा तो उसके चक्कर में अपने सारे बड़े थोड़ी अपना वो खराब कर लेंगे। मेरे आंसू निकले थे तो कह रही थी मैं तेरी तरह रोंदू नहीं हूँ, मैं ये नहीं पैदा हुई होती है, तू और तेरा बाजार क्या है, तू तो डेली होती है, बात को कहाँ ले गए हैं, फिर मेरे ये हो रहा है, प्रिया चुप टिकले, अब तेरे को मैं क्या समझाया था, यहाँ पे आके बात कर ले बेटा, तो वहां का जा रही है, यहाँ नहीं आना अभी, उसको सॉरी सुननी है जसलीन से बस,
कि जसलीन मुझे सॉरी बोले सबके सामने। आ जा भाई ले ले सॉरी ले ले, शायद ठंडी हो जाए तेरा दिमाग। चल ना वो अपना दिमाग ठंडा कर ले, तुझे करने की क्या जरूरत है। मेरा कुछ नहीं है, तो आई नहीं रही थी, मम्मी ले आई मुझे। आ रही ना, अब आई नहीं रही थी, एक्सक्यूजेस देने की तो कोई वो ही नहीं है इसमें। मैं जरा इसको, कोई नहीं छोड़, चले जाती हूँ मैं, कोई बात नहीं, ज्यादा दिक्कत आ रही है मैं चली जाती हूँ। हाँ चलो चलते हैं फिर, क्या फायदा ना, बच्चों के मन में बात नहीं रहनी चाहिए ना। ना पूछनी है बच्चों के, चलते हम थोड़ी खराब करेंगे। नहीं हमने तो सॉरी तो वैसे खत्म कर, नहीं तो बच्चे आज रहेंगे फिर सारे वीडियो बनाएंगे। बच्चों के मामले में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बड़ों को बिल्कुल भी, बड़े बोले तो बड़े भी बिगड़ जाएंगे, ये तो दो मिनट में एक हो जाएंगे। हां सोचते रहेंगे घर में बैठ के जाके, वही तो हम लोगों का खराब हो जाएगा। हाँ वो नहीं करना है ना। नहीं मैंने, हाँ आपस में बैठ के बात को सुलटाना तो पड़ेगा ही ना। कल भी मैंने आंटी के सामने यही बोला, मैंने कहा मैं तो इतना कुछ नहीं है, जबरदस्ती नाराज हो गई। अभी भी कह रही थी मैंने आंटी के आगे ऐसे बोला इतना कुछ नहीं है, बोलने के बाद भी लोग कोई कैसे बोल सकता है मैंने कुछ नहीं बोला, ये नहीं किया वो नहीं किया। चलो सॉरी की छोड़ दो, अब सॉरी रहने दो, ऐसे सॉरी थोड़ी लेना है। कोई बात नहीं, अपने आप देखी जाएगी। तू तो यहाँ बड़े मेरे ओपिनियन लेके बैठ गई, ऐसे सॉरी ना बोलने की कोई जरूरत नहीं, ना सुनने की जरूरत है। कोई भी पॉइंट होता है वो रोके दिखा देती है, उसने कुछ गलत कर दिया वो रोके दिखा देगी, मैं तो बोल देती मैं बेचारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे तो सही चलो विहान रहने दो, चलते हैं बेटा। भैया रहने दो, अपने आप शांत हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। क्या है, मेरे को नहीं जाना है, क्या दिक्कत है? चीख रही अच्छी लग रही है क्या, चीखती हुई वो एक ही चीज क्या ही बार बार डिस्कस करनी है, शांत हो जा। ना अच्छा लग रहा है, चीख रही फालतू बार बार ही, और अगले बैठे हैं कड़े से आ रहे मम्मी हैं। तरीका सीख बात करने का, मम्मी मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं, नहीं। अच्छा भी कुछ नहीं बोल रही है तब से, इधर बैठ। कौन सा इसने, कौन सा फूल बरसा दिए, इसने भी सारी अच्छी बातें कितनी बोली दिख रही है। तू मेरे से रिलेटेड ना कोई भी बात मत कर। आई किस लिए है, यही डिस्कस करने आई है, और आई किस लिए है? मैं कोई डिस्कस करनी नहीं। हाँ तो फिर आई सिर्फ आंटी, तू तो कहती मैं कर लेंगे, अरे आ क्या डिस्कस करने आई हूं, दिक्कत तो जब ये बात पूरी फैमिली को लेके आई किस लिए, ताकि सब मेरे पर चढ़ जाए, बाकी तेरे को मेरे से सॉरी बुलवाना, कि तेरे को हो जाए कि मेरे को ब्लेम कर दे। पूरी फैमिली सॉरी तेरी लेने नहीं आई, इतनी इंसान के बाद मुझे तेरी सॉरी नहीं चाहिए। आई किस लिए और किस लिए आई, ये डिस्कशन कर रही, तीन चार के बाद मेरे को सॉरी नहीं चाहिए, करके आ रही है डिस्कशन। क्या कर रहा है, एक बार मेरी मम्मी ने बोला कि कल तूने व्लॉग देखा है, उन्होंने क्या बोलने देगी किसी को, या अपनी पॉइंट प्रूव करने में लगेगी। बोल ही नहीं थी, पूरी फैमिली के पहली बार आए हैं। नहीं हाँ ये बताओ, पहली बार आए हैं आंटी, हम आते ही रहते हैं एक दूसरे के घर में। प्रिया और हम सिर्फ जय जी वही जसलीन, ऐसे नहीं करने आया। अब कल अगर कोई चीज इतनी बड़ी हुई है तो उसको ऐसे लेट गो थोड़ी कर देंगी मम्मी। प्रिया यार तो अब कब, तू भी व्लॉग देखी है और सब करी है, ये अब इतनी सारी चीजें बढ़ेगी तो बढ़ानी थोड़ी अपने को यार। पूरे परिवार को लेके आयो, अरे पूरे परिवार को हम तो विश करने आते हैं, दिवाली पे भी आएंगे, आए थे अभी भी आए हैं, उसमें क्या मतलब है बोलने का। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कुछ गलत बोला नहीं, मैं इसके घर जाके इसकी चीजों पे, हर बार चीजों पे, सजी हुई चीजों पे मैं इसको ये नहीं बोलती, यहाँ नहीं, यहाँ से हटा के मार, बात अब चीजों की रह ही नहीं गई, वही रही है बात, चीजों की रह ही नहीं गई, डिस्कशन वही है। ये चीजों पे आदमी तभी बोलता है जब उसको लगता है मेरा अपने घर जैसा है, इसलिए बोलता है। हम ऐसे तो हम किसी के घर जाते हैं तो थोड़ी बोलते हैं, उसको कुछ अपनापन लगा कि चलो मैं बिहान से कहूंगी कि ये चीज यहाँ पे यहाँ लगा दो, हर चीज में आके बोलती है, हर चीज में मतलब इसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, जैसे हम नहीं दिखी बेइज्जती कराना नहीं है। प्रिया यार बहुत हो गया यार, इतना थोड़ी होता है, निचली टिकले अच्छा लग रहा है। कोई एक हमारे सारे बच्चे ही हो,
अब ये बोल के दिखा दे एक वर्ड भी। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम तुम्हारे घर पूरा घर उठा के चले के आ गए, ये है वो है। पूरे घर का आने का क्या मतलब है? दो घंटे से तो आंटी प्रिया नहीं आएंगे, हम उनके लिए आते हैं। चलो चलो चलो, हो गया हो गया, तेरे को बहुत ज्यादा अपनी बेइज्जती कराने का शौक है। अरे अब आने तू यहाँ पे कभी बैग नहीं, आप लोग आपसे कोई थोड़ी है, ना तो वही है, लेकिन अब ये नहीं आएगी, ना ना क्यों नहीं आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। अभी पिछली बार भी मैंने बोला था, अब तो बिल्कुल नहीं आएगी, ना ना। अरे आंटी अगर एक मिनट अगर आएगी तो फिर ये हमारे घर नहीं आएगी। बच्चे 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 बहुत हो गया बच्चे, प्रिया करवा लेंगे अपनी, पूरा घर उठा के ले आए, ना ना चलो नहीं। चलो यार मेरे को यही था, तेरे को मैं बोला था ना तू निचली, आप पढ़ी शांति नहीं, ये क्या चावल है? जब बराबर बात, और ये कुछ नहीं है, ये छोटी सी, मैं ये कोई एंटी चलो कल तुम्हारी जो बात हुई उसको सॉर्ट आउट कर, साथ में चाय वाय पियेंगे, अपने मजे करके आएंगे। हमें क्या पता था कि आप इतनी बिजी हो गए। चलो कोई नहीं, हो गया अब, हो गया। अरे ठीक है, कोई आपसे थोड़ी कोई नाराजगी है, किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं, हमें उससे भी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी बच्ची है, जब उसका ठंडा हो जाएगा दिमाग तब आएंगे बस, ठीक है ना। हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अरे आंटी ऐसा आना, तू भी आना शाम को, ऐसा कुछ नहीं, नहीं कोई अच्छा नहीं। अभी आप उसको थोड़ा सा समझा लो, कूल कर लो,